उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र इस बार कई मायनों में खास होने वाला है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रामपुर की सीट से इस बार एक नए विधायक का चेहरा दिखने जा रहा है। इस सीट से आकाश सक्सेना एक लंबे वक्त के बाद नए विधायक के रूप में सदन में नुमाइंदगी करेंगे। रामपुर की सीट पर लंबे वक्त से आजम खान यहां के लोगों की नुमाइंदगी करते रहे हैं। आजम खान इस सीट पर दमदारी से निर्वाचित होते थे और समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी और बसपा की सरकारों तक वो इस सीट के सदस्य थे, लेकिन इस बार उनकी विधायकी रद्द होने पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार आकाश सक्सेना को यहाँ से उतारा, जिन्होंने जीत हासिल की। आकाश सक्सेना इस सीट पर जीतने के बाद पहली बार विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा होंगे। ये पहला मौका होगा जब आकाश सक्सेना रामपुर के लोगों के लिए अपनी बात सदन में रखेंगे। बीजेपी इस मौके को खास बनाने के लिए जुटी हुई है। खास बात ये कि आकाश सक्सेना वही शख्स हैं जिनकी तमाम याचिकाओं पर आजम खान के खिलाफ मुकदमे हुए। आकाश सक्सेना की अपीलों के बाद ही आजम खान की विधायकी रद्द हुई। उनकी याचिका पर ही आजम खान का वोटर लिस्ट से नाम तक काट दिया गया। अब आकाश सक्सेना आजम खान के उसी किले की नुमाइंदगी करते हुए विधानसभा के सदस्य के रूप में सदन में पहुंचेंगे। सपा उन पर कितनी आक्रामक होगी ये देखना दिलचस्प है, लेकिन सपा के खेमे में भी इस बार कुछ नया है। समाजवादी पार्टी के खेमे में इस बार शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ दिखेंगे। आजम खान की गैर मौजूदगी में चलने वाला सदन शिवपाल यादव के साथ चलेगा। बीते सत्र में आजम खान विधायक रहते हुए इस सदन का हिस्सा नहीं बन पाए थे, कारण स्वास्थ्य था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को एक बड़े नेता का साथ मिला है। युवा राजनीति को शिवपाल सिंह यादव के अनुभव से क्या मिलेगा, अखिलेश को इसे समझना होगा। अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे। आजम खान की गैर मौजूदगी में शिवपाल अखिलेश के लिए क्या कर पाएंगे ये देखना चाहिए। विधानसभा में आजम खान का ना होना अखिलेश के लिए राजनीतिक नुकसान तो जरूर है, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रामपुर में तो इस बार ऐसा ही दिखता है। रामपुर जहां आजम खान के कहने से तमाम फैसले हो जाते थे, उस सीट पर आजम चुनाव हार चुके हैं। उस सीट का नया नुमाइंदा इस बार विधानसभा का हिस्सा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का नव अध्याय यही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।